हेलो माय ब्यूटीफुल सोल सैजिटेरियस, लेट्स सी कि आपकी शादी किससे होने वाली है। हु विल यू मैरी एंड व्हेन? ईश्वर ने आपके भाग्य में किसको लिखा है, किससे होगी आखिरकार आपकी शादी, कैसे होंगे वो, कैसा होगा उनका पर्सनालिटी, नेचर, प्रोफेशन, कहाँ मिलोगे, कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, हनीमून कैसा हो सकता है, सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हो जाइए पॉजिटिव, लाइक एंड सब्सक्राइब करके हो जाइए अलाइन। 11 11 लिखकर या आपको जो भी एंजेलिक नंबर सबसे बेस्ट लगता हो या बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा हो तो वो लिखकर जल्दी से पहले अलाइन हो जाइए, ठीक है। 10 10 भी लिख सकते हैं, 3 3 भी लिख सकते हैं, 7 7 7 भी लिख सकते हैं, और पर्सनल डे के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। या स्क्रीन पे नहीं भी शो हो रहा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेनुइन लिंक मिल जाएगा। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में रीडिंग ले सकते हैं हो तो, और मैं नंबर नहीं देती हूँ, उस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ओके। तो सबसे पहले सैजिटेरियस, आपके पर्सन की हाउस की एनर्जी आई है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बड़े ही मतलब लाइक भक्त कह सकते हैं, लॉर्ड बुद्धा के हो सकते हैं, और उनकी कही हुई बातें को फॉलो करना इनको बहुत अच्छा लग सकता है, या लगता होगा ये एक पर्सन डिसिपल हो सकते हैं लॉर्ड बुद्धा के, ठीक है, मतलब अपने आप को मानते हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा मतलब हीलर जैसे हो सकते हैं, ठीक है, मेडिटेशन करने वाले इंसान हो सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इनका कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हो सकता है, योगा इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, या योगा से रिलेटेड योगा इंस्टीट्यूट हो सकता है, या कोई डोजो मार्शल आर्टिस्ट हो सकते हैं आपके पर्सन, ओके। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि एथलेटिक्स एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, स्पोर्ट्स के फील्ड से भी हो सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताऊँगी कि आपके पर्सन जो है उनकी एनर्जी कैसी है, वो इंसान कैसे हैं। वैसे अगर ये कहीं घूमने जाते हैं ना तो बहुत लॉन्ग लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं, तो इतना जान लीजिए कि अगर आप हनीमून पे जाएंगे तो आपको ये बड़ा घुमाएंगे, बहुत ज़्यादा अपने फेवरेट ब्यूटीफुल प्लेसेस पे घुमाया करेंगे, और बहुत अच्छा फन एन्जॉयमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये पर्सन जो है फ़न लविंग होंगे, और फ़नी फ़नी बातें करना, बहुत ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर इस पर्सन का हो सकता है, ठीक है, और उतने ही ज़्यादा शांत स्वभाव के भी होंगे, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना इनको पसंद होगा। तो आपके पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फन एनर्जी, लविंग बहुत ज़्यादा होंगे, इंटरटेनिंग होंगे, एग्जुबरेंट होंगे, मतलब लाइक एग्जुबरेंट कहने का ये मतलब है बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है, कुछ भी करने का बहुत ही ज़्यादा इंतजाजम होना, उल्लासपूर्ण होना, मतलब उल्लास से भरे हुए इंसान, जैसे कह सकते हैं जानदार, अलाइव, मतलब आपको फील होगा कि मैं एक ऐसे इंसान से शादी कर रही हूँ या कर रहा हूँ या किया हूँ जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लाइक मुझे भी बहुत ज़्यादा लाइफ फील कराता है या कराती है, ऐसा आपको फील होगा। तो बहुत ही ज़्यादा जेनरस, करेजियस, रोमांटिक, कॉन्फिडेंट एंड क्रिएटिव होंगे आपके पर्सन। सो सैजिटेरियस, इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पर्सन कैसे होंगे। देन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन किसी ऐसे इंसान को चाहते हैं जो इनसे हमेशा प्यार करें, इनको लेकर बहुत कंसिस्टेंट रहे, ठीक है, इनके साथ हमेशा टच में रहे, ओके। दूसरी बात, इस पर्सन का मुझे दिखाई दे रहा है नेचुरल सेंस ऑफ अथॉरिटी एंड सेल्फ ओरिएंटेशन कह सकते हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी वजह से ये बहुत अनबैलेंस हो जाते होंगे कभी कभी। क्यों? क्योंकि इनको हमेशा ऐसा लगता होगा कि मैं जहाँ जाऊँगा या मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ पर मैं ही रहूँगा, मैं ही सब कुछ हूँ, तो उस वजह के से ऐसा हो जाता होगा कि ये थोड़े अनबैलेंस हो जाते होंगे, क्योंकि ये जब जहाँ जाते होंगे तो हो सकता है कुछ प्लेस पे ये सबसे टॉप पर रहे, लेकिन कभी कभी ऐसे जगह पे भी जाते होंगे जो इनसे भी आगे हो, तब ये थोड़ा सा मतलब इनसिक्योर फील करने लगते होंगे कि मुझे अटेंशन क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये एक चीज़ की कमी मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एडमायरेशन बहुत ज़्यादा चाहते हैं, पॉपुलैरिटी बहुत चाहते हैं, अटेंशन बहुत चाहते हैं, थोड़े बहुत अटेंशन सीकर हो सकते हैं, लेकिन जब ये आपके अटेंशन को पाएंगे तो आपके अटेंशन को पाकर ये बिल्कुल थम से जाएंगे, बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएंगे, फिर इनको लगेगा कि नहीं, अब मुझे किसी का टेंशन नहीं चाहिए, जिसका मुझे इंतज़ार था वो मुझे मिल चुकी है या मुझे मिल चुका है, तो मुझे अब किसी का टेंशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे प्लैनेट कार्ड, दूसरा प्लैनेट कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ये इंसान मुझे एनिमेशन फील्ड के दिखाई दे रहे हैं, गेम मेकर ये सब हो सकते हैं आपके पर्सन, थोड़ा बहुत हो सकता है, और इनका कुछ ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ड्रीमर है, बहुत सपने देखते हैं और उसको पूरा भी करते हैं, थोड़े बहुत इल्यूजन्स में भी रहते हैं, तो हो सकता है शादी के बाद आप सारे इनके इल्यूजन्स कन्फ्यूजन ख़त्म कर दो, ठीक है। ये तो होता है ना कि एक दूसरे को कंप्लीट करना,
जो कमी है, तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे, आप दोनों एक दूसरे को फुलफिल करोगे, ठीक है। और आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा एम्पैथेटिक पर्सन होंगे, एम्पैथी होगा, कंपैशन होगा, काइंडनेस होंगे आपके पर्सन, वेरी 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 फैमिली ओरिएंटेड, बहुत नर्चरिंग, इमोशनली हमेशा आपके लिए अवेलेबल होंगे। और इसी तरीके से इनका भी एक्सपेक्टेशन होगा कि आप भी इनके लिए हमेशा इमोशनली अवेलेबल रहें, ठीक है। आपकी बातें बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे क्योंकि बहुत हाईली इंट्यूटिव होंगे। आप इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, ये सब इनको पता होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये पर्सन आपके सोलमेट है, और जब सोलमेट है तो सोल से कनेक्टेड है, तो आप कोई बात नहीं छुपा पाओगे इससे, ठीक है। और ये आपके सारे इमोशनल नीड्स को पूरा करेंगे। और सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि ये वो इंसान है जो कि दूसरों के इमोशनल नीड्स को ही पूरा करते हैं, ठीक है। कोई इनके सामने रो धो कर कह दिया कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो ये कर देते हैं, ठीक है, इतना सोचने वाले नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये इंसान जो है ना, आपके लिए केयर गिवर होंगे, आपको बहुत केयर करेंगे। ये तो फ़र्ज़ आपका ही बनता है कि आप भी करोगे, सिंपली बात है, लेकिन ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा आपका ध्यान रखेंगे, केयर करेंगे एक मॉम की तरह। जैसे आपके मॉम हो ना बहुत ज़्यादा इमोशनल, वैसे ये भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे आपको लेकर, ठीक है। तो किसी के लिए हीलर हो या ना हो, आपके लिए होंगे, अपने बेबीज़ के साथ होंगे हीलर, ठीक है, जो भी आपके बेबीज़ वगैरह होंगे। सो एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि इतनी हीलिंग एनर्जी कहाँ से आई इस पर्सन के अंदर, बिकॉज़, और या फिर मदर फिगर कह सकते हैं कहाँ से आया, क्योंकि ये अपने मॉम के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड रहे हैं शुरू से ही, ठीक है, या कह सकते हैं इनकी मॉम इनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रही हैं, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब बनता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कार्ड देख लेते हैं, हाउस कार्ड। तो मुझे देखिए यहाँ पे फिर से वही बात आ गया कि ये पर्सन लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा रहते होंगे, आपके जो पार्टनर होंगे या होंगी, लेकिन ये चीज़ आप जब इनको टोकोगे तो इनको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये समझ जाएंगे और फिर वो करना बंद कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इस पर्सन की एनर्जी बहुत ब्रिलियंट दिखाई दे रही है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे या पार्टनर होंगी या होंगे, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, रीडिंग सभी के लिए है और टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हो। तो पर्सन आपके बड़े ही ब्रिलियंट दिखाई दे रहे हैं और बहुत प्रोफेशनल इंसान है, डिप्लोमेटिक, मतलब आपके पर्सन वैले खाली बैठने वाले इंसान नहीं है, बहुत मेहनत हार्डवर्क करने वाले हैं। और बात यहाँ पे कैसे है कि पहचानोगे इस पर्सन को इस तरह कि कुछ भी बोलेंगे तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, फर्स्ट इंप्रेशन भी होगा तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपसे बात कर रहे हैं, प्रोफेशन के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल एडवाइसेज आपको हमेशा दिया करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट मेंटल एंड इमोशनल बैलेंस आप दोनों के बीच में हमेशा बना रहेगा। वैसे ये पर्सन आपको हमेशा हमेशा ही इम्प्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे, ठीक है। अगर आप बोल दोगे कि तुम्हें इसके जैसा होना चाहिए, तुम्हें इसके जैसा होना चाहिए, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा चेंजेस होने चाहिए, बदलाव होने चाहिए, ठीक है, तो आप जो भी बोलोगे इस पर ये गौर फरमाएंगे, उसको चेंज करेंगे। वेल, ये पर्सन आपके लिए हाईली सेंसिटिव पर्सन होने वाले हैं, ये फ्यूचर स्पाउस होंगे। देन उसके बाद इस पर्सन की एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं, जिसको आप अभी भी चाहते हो, जिसको आप अभी भी प्यार करते हो, और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस से आए। ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आप चाह रहे हैं तो ही आप इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पास्ट से किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो और उस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान जिसकी वजह से दुखी हो आप, ठीक है, और उससे शादी करना चाहते थे, उसने रिजेक्ट कर दिया, आपको बहुत तकलीफ़ है, लेकिन आपको अभी भी मतलब मन में ये है कि वो आएंगे वापस और मुझसे प्यार करेंगे, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, तो ये होने वाला है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे पास्ट के पर्सन दिखाई दे रहे हैं और आपकी लव मैरिज होने की चांसेस है। 6 वीक के अंदर ये मिलेंगे, 9 मंथ्स के बाद आपकी शादी होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और मैसेज बता दूँ मैं आपको, वो है आपके पर्सन बहुत थॉटफुल है, बहुत क्रिएटिव है और सेंसिबल पर्सन है, और ये चीज़ है कि चैलेंजेस को बहुत ही काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग मैनर में डील करते हैं। तो ये बात समझ रहे हो सजिटेरियस। अब मैं आपको बताऊँगी कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, पूरा ओवरऑल फ्यूचर यहाँ पे देखेंगे आपके पर्सन के साथ आपका, ठीक है। पॉजिटिव रहिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अलाइन हो जाइएगा। देखिए ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है, मतलब ये पर्सन आपको कुछ इस कदर रखने वाले हैं, इस तरीके से आपको ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है, कि आप हमेशा एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहोगे, आप हमेशा थैंकफुल एनर्जी में रहोगे कि थैंक यू सो मच गॉड कि मुझे इससे मिलवा दिया, ठीक है, इससे मेरी शादी करा दी,
तो यहाँ पे एक ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहने वाले हो. क्यों? क्योंकि आपको मिलेगा हैप्पीनेस, आपको मिलेगा जस्ट, आपको मिलेगा लाफ्टर, आपको मिलेगा डेली एक्सपीरियंस, बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, मतलब ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में, ज़िंदगी को जीने का या ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने का आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे. आप अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करते चले जाएंगे, काउंट करते चले जाएंगे, और आपके जो ब्लेसिंग्स हैं वो भी दुगने, तिगुने और 10 गुने होते चले जाएंगे. और एक गाइडेंस भी आपके लिए, अगर आपका सिचुएशन कैसा भी है, आप बस थैंक्स बोलिए. सभी लोग कमेंट में थैंक यू सो मच यूनिवर्स, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु, जिससे भी आप मानते हैं उनका नाम लिख दीजिए. देखिएगा जब भी आप अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे वो आपको डबल ट्रिपल होकर मिलता है. ठीक है, तो ये समय आपका है, आप अपने समय को बनाइए. सबसे पहली बात, ये बात क्लियर हुआ है कि शादी के बाद आपकी जो मैरिड लाइफ होगी वो ग्रैटिट्यूड भरी होगी. और ग्रैटिट्यूड तो इंसान तभी सेंड करते हैं ना जब वो अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट एंड फुलफिल फील करते हैं. तो यस, आप अपने मैरिड लाइफ में बहुत कंप्लीट एंड फुलफिल फील करोगे. ऐसा लगेगा कि मेरे सारे सपने पूरे हो गए, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, तो ऐसा आपका फीलिंग होगा. वेल, यहाँ पे मैं क्लियर करके ये भी बता दूँ कि इन लॉस के साथ कैसा कनेक्शन होगा. क्वेस्ट, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली भी जो है आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं की है. ठीक है, और शायद अगर फैमिली सपोर्ट करती है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद फैमिली जैसा फील नहीं होगा. मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लॉस के साथ भी रह के आइसोलेट फील कर रहे हो. ठीक है, तो जो मैसेज है वो मैं आपको बताऊँगी. या फिर हो सकता है कि इल्यूजन्स के चक्कर में आप मतलब आइसोलेट फील करने लगे, तो दोनों बातों का ध्यान रखिएगा. अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि इन लॉज अच्छे हैं, क्योंकि मुझे अच्छे ही दिखाई दे रहे, कोई ख़राब एनर्जी नहीं है, क्योंकि आप फुलफिल फील कर रहे हैं. ठीक है, तो अपने इल्यूजन से बचिएगा कि लोग मुझे बॉयकॉट कर रहे हैं, लोग मुझे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे पार्टनर से, ये सब कुछ नहीं होगा. पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे. मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जो लंबे समय से आप सर्च कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अपने लाइफ को निखारने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि अगर आपका पहले भी डिवोर्स हुआ है इन लॉस की वजह से, तो अब ऐसा कोई सीन नहीं होगा. अगर ऐसा कोई मन में डर है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी डर रखने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन ऐसा हो सकता है कि इन लोगों के साथ आप कंप्लीट नहीं फील करेंगे. आप अपने पार्टनर के साथ कंप्लीट फील कर सकते हैं, पर इन लोगों के साथ कंप्लीट तो नहीं फील कर रहे आप. ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट टाइम कहाँ मिलोगे अपने पार्टनर से आप. सबसे पहले जू में मिल सकते हो, इंस्टीट्यूट, रेलवे स्टेशन, उसके बाद आप मिल सकते हैं बस स्टॉप, रेस्टोरेंट. मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको स्पोर्ट्स शॉप पे मिल सकते हैं, गिफ्ट शॉप हो गया आपका, लास्ट वन इज़ ऑफिस, मतलब ये पर्सन आपको आपके वर्क प्लेस पे मिले हैं. ओके, और मुझे वैसा भी लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो या रह रहे हो, लिविंग भी हो सकता है अभी आपका चल रहा हो. ठीक है, लेटली आए हो उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, या फिर हो सकता है पास्ट वाले पर्सन हो. ठीक है, लव मैरिज के चांसेस 100% है. ओके, एंड देन यहाँ पे प्रोफेशन है हेयर ड्रेसर, ब्यूटिशियन, एक्साइज इंस्पेक्टर, दैट्स ग्रेट, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, ब्यूटीफुल, डॉक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर. उसके बाद है यहाँ पे आपका बैंक क्लर्क, सिविल सर्वेंट, एंड लास्ट वन इज मॉडल. ओके, तो ये सारे जो हो गए आपके पर्सन के प्रोफेशन हुए. अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन फिजिकल अपीयरेंस में कैसे हैं, फिजिकल अपीयरेंस इस पर्सन का कैसा है. ओके, सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन सुपर क्यूट होंगे या क्यूट होंगी. आपके पर्सन के चेहरे पे स्पॉट्स हो सकता है, आपके पर्सन का आईज बहुत ब्यूटीफुल होगा और बिग होगा आईज, आपके पर्सन टॉल होंगे और बो शेप लिप्स हो सकता है. ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन दूंगी, जैसे कि आपके पर्सन का स्टेट क्या है, कंट्री क्या है, और नेम इनिशियल से शुरू करते हैं. सबसे पहले है ए, ओ, जे, पी, एस, जी, लास्ट टू एच एन एक्स. ओके, ये बात ध्यान रखिएगा कि दुनिया में आप किसी भी कोने में हो, ठीक है, अपनी पर्सनिंग ले सकते हैं किसी भी टॉपिक पे. ओके,
जीमेल एनिस्टाइडी के थ्रू वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ईरान, बेल्जियम, ये सारे इनकी कंट्री हो सकती है, हो सकता है यहाँ काम करते हो, रहते हो। इजिप्ट, यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, इंडोनेशिया या स्पेन के हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे स्टेट, वो भी देख लेते हैं। दिल्ली, यूपी, दमन एंड दीव, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, लक्षद्वीप, कर्नाटका। उसके बाद है यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़, मणिपुर एंड लास्ट वन इज आंध्र प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारे जो है स्टेट्स हुए, ठीक है। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। सो चलती हूँ, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।